सनराइजर्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स एट राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। और अगर ट्रॉफी मिलती, अगर पॉइंट्स टेबल होती कि मोस्ट कंफ्यूज टीम कौन है इस सीजन, तो एक टीम तो अभी मुझे पता है कौन सी टॉप पे रहेगी और एक आसपास जरूर है, तो और वो दोनों ही इसी मैच में ही खेलने वाली है। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय विजन 11। ब्रो अक्षर सही है, बात मान शमी। सिर्फ अक्षर और शमी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर अनंत त्यागी एंड मिस्टर आशीष मीना। आशीष भाई, मैच स्टार्ट करें उससे पहले भेज दो क्या? हां, स्टैंड में रख दिया, आप ट्रोल करने लग गए थे। देखो हम बिना उसके भी करेंगे क्योंकि यही करने तो आते हैं हम। एंड भाई आज के मैच पे चलते हैं, सनराइजर्स वर्सेस कोलकाता। और कोलकाता नाइट राइडर्स की हम काफी बार बात कर चुके हैं कि काफी कंफ्यूज रही है सीजन। ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली भी रहे विद इंजरीज, लेकिन एक तो म्यूजिकल चेयर चलता है उनका विद ओपनर्स। लास्ट मैच में ऑफ कोर्स जेसन रॉय अवेलेबल नहीं थे, तो फिर से वो ओपनिंग पेयर चेंज करना पड़ा। बट अब तक छह ओपनिंग पेयर इस सीजन ट्राई कर चुके हैं, और इसके अलावा लास्ट सीजन से देखें तो 12 ओपनिंग पेयर हो चुके हैं अब तक। और काफी काफी सारी जगह वो अभी तक कंफ्यूज लगे हैं। शार्दुल ठाकुर, डेविड वीजा दोनों को स्पेशलिस्ट बैटर खिलाया उन्होंने। लास्ट दो मैच से डेविड वीजा ने एक भी बॉल नहीं की है। तो जब आप केकेआर का मैच आता है तो एज अ फैंटेसी प्लेयर आप थोड़ा ज्यादा केयरफुल होते हैं कि यार थोड़ा मैं कम इन्वेस्ट करूंगा, लीग्स कम ज्वाइन करूंगा या फिर कंप्लीट अवॉइड कर दूंगा। बिल्कुल यार, और मुझे तो ऐसा लगता है एसआरएच भी कंफ्यूज है क्योंकि चार ओपनिंग पेयर तो वो भी ट्राई कर चुके हैं कोलकाता ने अगर छह किए हैं तो। और एसआरएच, जीटी और डीसी तीन अकेली ऐसी टीम है जिनके ओपनिंग पेयर ने अभी तक 50 या उससे ऊपर का स्टैंड अभी तक दिया नहीं है हमें, तो कंफ्यूज तो वो भी है ही। बट हाँ, मतलब केकेआर ने क्या, आई थिंक दे हैव यूज्ड 9 डिफरेंट प्लेयर्स इन थ्री इन द टॉप थ्री पोजीशंस, तो जो कंफ्यूजन है वो तो क्लियर है। प्लस कैप्टन राणा का फॉर्म यार, मतलब आप इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपका कैप्टन का फॉर्म जो है थोड़ा सा अगर चला जाए तो वो थोड़ी सी थोड़ा सा संकट का विषय है। कुछ पॉजिटिव दोनों टीम में है, इधर स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं केकेआर के, तो यहाँ पे मयंक मारकंडे ने जो है अच्छी गेंदबाजी की है। लेकिन पेस के खिलाफ दोनों टीमें स्ट्रगल करती हैं, खासतौर से एसआरएच स्ट्रगल करती है। तो देखना होगा यार किस तरीके से मैच जाएगा। बट या इट्स अ बैटल ऑफ टू टीम्स जो कि अभी भी इस स्टेज ऑफ टूर्नामेंट में अपना बेस्ट नहीं ढूंढ पाई है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि क्वालिटी, इंडिविजुअल क्वालिटी काफी सारी है। आंसर कोच भाई वुड एग्री। कोच साहब, वैसे कमेंट सेक्शन में कभी आप देखा करो लोग मिस करते हैं और यही बोलते हैं कोच साहब को लेके, वो आशीष भाई नाम ही नहीं लेते कोच साहब, मैंने इतना फेमस कर दिया आपका ये नाम। तो फिलहाल एसआरएच की बात करें, जिस सरन भाई ने कहा कि कंफ्यूज वो भी हैं, और तभी मैंने इंटर में स्टार्ट करते ही बोला था कि एक टीम तो ऑब्वियसली जीत रही है और एक बहुत ही करीब है, जो दूसरी करीब है सनराइजर्स ही है, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे मैनेज कर रहे हैं वो बिल्कुल इस सीजन उनके समझ के बाहर रहा है। उन्होंने जितने पैसे दिए हैरी ब्रूक को, इसलिए उनके साथ ओपन भी कराया, फिर उसके बाद एक मैच में जब हमने अभिषेक शर्मा को पिक किया तो वो ओपन नहीं आया, मयंक अग्रवाल है, फिर जिस मैच में हमने मयंक अग्रवाल को पिक किया उस मैच में वो नहीं आया, उसमें अभिषेक शर्मा है। आपको क्या लगता है इस मैच में कौन आएगा? तो यही जो एसआरएच का कैंप है उसके अंदर मेरे को भी अभी भी लग रहा है कि जो अनसर्टिनिटी बनी हुई अभी भी लेके ओपनिंग कॉम्पिटिशन को लेकर, चाहते हैं ग्रुप टॉप ऑर्डर पे आए, फिर वो है कि एक को बलि का बकरा बनना पड़ता है। अग्रवाल नीचे जाके खेल नहीं सकते, सोचते हैं कि वो स्पिन को अच्छा खेल लेंगे, और उनके पास वो अटैकिंग शॉट नहीं है, रेंज ऑफ शॉट्स नहीं है लोअर ऑर्डर के अंदर आके। इस वजह से टीम वही सोच रही है कि अग्रवाल को रखना चाहती है, पर मेरे को लग रहा है अग्रवाल की वजह से टीम के अंदर कॉम्बिनेशन पूरा बिगड़ा हुआ है। हैर ग्रुप नीचे खेलना चाहते नहीं है जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस आ रहा है, वही है कि टीम के अंदर जो रोल है वो अनसर्टन लग रहा है पूरा। टॉप ऑर्डर बैटर्स भरे हुए टीम के अंदर, मिडिल ऑर्डर में फिर खेलेगा कौन? क्लासी ने बेचारा अकेला रन्स बना रहा है। बिल्कुल कोच वाला आंसर जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। हन भाई, आपके कैप्टन, सिर्फ कैप्टन से शुरुआत करते हैं अभी। यार मेरे पहले कैप्टनसी पिक हैं एडन माक्रम, जिनके बारे में मैं काफी सोचा हूँ, उनके आईपीएल करियर के सबसे ज्यादा रन केकेआर के अगेंस्ट आए हैं, औसत अब तक 56 का है, तो मुझे काफी अच्छा लगा वो नंबर, अब तक 56 है। 30+ स्कोर्स हैं केकेआर के अगेंस्ट पिछले तीन मैचेस में, तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी है, केकेआर का अटैक उनको पसंद है, और केकेआर का अटैक, ये हम लोग ये नंबर्स यूज करते हैं लेकिन केकेआर का अटैक कुछ बहुत ज्यादा बदला नहीं है फ्रॉम लास्ट ईयर। लॉकी फर्गसन आया बट वो उनको खिलाया तो जाता नहीं है, तो फिर फायदा ज्यादा है नहीं। पिछला 30+ स्कोर भी उनका केकेआर के अगेंस्ट ही आया था एडन माक्रम का, जब उन्होंने 50 मारी थी ईडन गार्डन्स में, आपको याद होगा। प्लस हमेशा जो मैं कहता हूँ एडन माक्रम को जब भी पिक करता हूँ कि फील्डिंग में अच्छा एसेट है, 8 कैचेस पकड़े हैं जो कि उन्हें इस सीजन में ओवरऑल फील्डिंग के स्टैंडपॉइंट से टॉप 3 में डाल देता है, तो
बैटिंग क्योंकि ये क्या कहते हैं अच्छी करते हैं, पिछली बार 50 मारा था और फील्डिंग बेहतरीन करते हैं, तो एक कैप्टनसी पिक मेरे वो हो गए। तो वैसे आप बताई चुके ऑलरेडी एडन माक्रम के बारे में सब कुछ, और लास्ट मैच में 50 मार के आ रहे हैं और आपने पूछा याद होगा, तो बिल्कुल याद है, कैप्टन थे ना मेरे उस मैच में, ऐसी बात नहीं बोलते अगर 0 देके जाते तो भी हम याद रखते और रन करके गए इसलिए याद है। और अगर आप इस मैन ऑफ द मैच नंबर्स देखेंगे काफी अच्छे हैं, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो और सुरेश शर्मा, एक एंड से काफी अच्छा स्पेल चल रहा था, फिर उसके बाद एडन माक्रम आया और दबा के अटैक किया उन्हें और उनके अगेंस्ट भी काफी अच्छे खासे नंबर्स अब हो गए लास्ट मैच के बाद। तो ओवरऑल बोलिंग लाइनअप के अगेंस्ट नंबर्स काफी अच्छे हैं, रिसेंटली रन किए हैं अगेंस्ट दिस साइड, थोड़ा सा जो उनके साथ में रिस्क है वो है उनका बैटिंग ऑर्डर, कब आए किस एंट्री पॉइंट पे आएंगे और कितने उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कितनी बॉल्स होगी, वो थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स भी हैं अब अकेले ऑफ स्पिनर भी हैं, थोड़ी सी वैल्यू विद द बॉल भी है। आशीष भाई आपके कैप्टन? तो यहाँ पे कैप्टनसी पिक के मैं रसल के साथ जाऊंगा, रीजन सिंपल, आपको बॉलिंग भी करके दे रहे हैं पिछले 3-4 मैचेस से और बैटिंग के अंदर भी उनका फ्लो दिखा है, बर्थडे के दिन भी उन्होंने अच्छी पारी खेली थी, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप फिर से आए मैच को कंट्रोल करें, और जो बॉलिंग का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट दिस टीम 12 का स्ट्राइक रेट है, हर 12 बॉल में विकेट निकालते हैं इस टीम के अगेंस्ट। जी हाँ, बर्थडे की बात वैसे की अनंत भाई, आपको बर्थडे थ्रेड देखिए आपने? हाँ भैया बिल्कुल देखी मैंने बर्थडे थ्रेड है जिसमें हमने ऑलमोस्ट कितने आशीष भाई कितने हो गए होंगे, शायद 60-65 प्लेयर हो गए होंगे अब तक, हाँ, सेंचुरी तो हो ही गई थी पिछले सीजन के अंदर ही 60-61 प्लेयर्स है जिन्होंने अपनी बर्थडे या फिर एनिवर्सरी या फिर अपनी वाइफ की बर्थडे और धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। तो अगर आप बिल्कुल खाली है मेरी तरह बहुत समय आपके पास, तो मैं आपको भेजूंगा जरूर देखना। तो मेरे भी कैप्टनसी ऑप्शन में रहेंगे एंड्रयू रसेल, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन आपके पास इस मैच में है नहीं और बहुत ज्यादा सेफ ऑप्शन भी नहीं है, नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है अभी तक उनके अगेंस्ट हैदराबाद, जो हाईएस्ट स्कोर है वही 49 नॉट आउट है और इस वेन्यू पे भी अभी तक रन नहीं किए हैं, लेकिन सैम्पल साइज 3 मैचेस का है तो ज्यादा तर जाएंगे नहीं, लेकिन बॉलिंग मैचेस को बहुत अच्छे हैं, चाहे वो मयंक अग्रवाल हो उनके अगेंस्ट नंबर्स काफी अच्छे हैं, राहुल त्रिपाठी जिनको लास्ट मैच में भी आउट किया था, उन्होंने 5 इनिंग में 3 डिस्मिसल हो गए और वो राहुल त्रिपाठी के सबसे ज्यादा डिस्मिसल्स हैं अगेंस्ट एनी बॉलर इन T20s। तो डेथ में वैल्यू, बॉलिंग वैल्यू, थोड़े रन, रसल कैप्टन, अनंत भाई आपके वाइस कैप्टन? मैं एक्चुअली एंड्रयू रसेल के बारे में सोच रहा था, वो जो आपने 49 नॉट आउट मारी वाली बात बोली, वो 2 बार उनके साथ हुआ है पिछली 3 पारियों में, एसआरएच के अगेंस्ट विकेट्स भी उन्होंने लिए हैं, बट अगर जेसन रॉय फिट होते हैं ना तो मैं जेसन रॉय के बारे में सोच सकता हूँ, एंड अगेन ऑब्वियसली एक टॉस के बाद ही पता चलेगा भाइयों, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे आके देख लीजिएगा कि जेसन रॉय खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। जेसन रॉय ने केकेआर के लिए डेब्यू जब से किया है तब से सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए, 40 या उससे ज्यादा की पारी खेली है, तीनों बार जब बैटिंग की है, तो ऑब्वियसली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जेसन रॉय की कंसिस्टेंसी, जेसन रॉय की कंसिस्टेंसी दिख रही है। यूजली ऐसा होता है कि 100 आता है फिर 2 डक आ जाते हैं या 2 सिंगल डिजिट फिर 100 आ जाता है, वो उस तरह का प्लेयर है। एक बार इस वेन्यू पे एसआरएच के लिए खेले, ऑब्वियसली फॉर्मर टीम भी है, उसमें 31 of 21 बनाए थे, 2017 की बात है, 6 साल पहले, तो जेसन रॉय को मैं कंसिडर करना चाहूंगा डेफिनेटली एज अ वाइस कैप्टनसी, नॉट एज अ कैप्टनसी ऑप्शन, एज अ वाइस कैप्टनसी ऑप्शन अगर वो फिट है, बिकॉज अगर ये बंदा चल गया तो एसआरएच नहीं चल पाएगी। आपने बोला ना जेसन रॉय कंसिस्टेंसी, मुझे ना वो मीम याद आ गया कि मैं क्या सुन रहा हूँ, अच्छा है मैं बह रहा हूँ क्योंकि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते जेसन रॉय के लिए हम कंसिस्टेंसी की कभी बात करेंगे, क्योंकि आज से शायद 2 साल 3 साल पुराने जेसन रॉय, और मैंने काफी बार बोला भी है जब एक मैच में रन कर देते थे मैं नेक्स्ट मैच में उन्हें ड्रॉप कर देता डायरेक्ट, क्योंकि लॉजिक नहीं था, बस यही था कि वो कंसिस्टेंट नहीं थे। आशीष भाई आपके भाई क्या? सिर्फ वही कहानी है, रसल की तरफ कहानी जाती फिर आती है एडन माक्रम की तरफ, तो वही मेरे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है माक्रम। बहुत अच्छे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है नहीं इस मैच में, मेरे भी कैप्टन वाइस कैप्टन सेम रहेंगे, रसल माक्रम, ज्यादा से ज्यादा अगर आप कुछ मस्ती करना चाहें तो आप नटराजन के साथ भी जा सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट में, लेकिन उन्हें भी बहुत ज्यादा विकेट सीजन नहीं मिले, तो दोनों बहुत ही स्ट्रेट और सेफ ऑप्शन। अब अगर आपको थोड़ी मस्ती करनी हो, जो कि प्रतीक भाई हर बार क्या बोलते हैं हीरो नहीं बनने का, बट अगर आपको फिर भी बनना हो थोड़ा सा रिस्क लेना हो, जैसे लास्ट मैच में जो होता गुजरात वाले में, गुजरात डेली में हमने काफी बात की थी मोहम्मद शमी की, कि अभी तक विकेट्स नहीं मिले हैं लेकिन एक ही मैच ऐसा आएगा और जैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं 3-4 विकेट्स लेके जाएंगे, हमने ईशांत शर्मा की बात की थी इनफैक्ट। अनंत भाई आपको ऐसा कोई प्लेयर लग रहा है जो कि बहुत ज्यादा लोग ट्राई ना करें लेकिन आपको लगता है एक अच्छा हाई रिस्क ऑप्शन हो सकता है? नितिश राणा मेरे वो प्लेयर हैं, सिर्फ 130+ स्कोर है पिछली 5 इनिंग्स में, तो रिस्क जबरदस्त है उस तरीके से, कैप्टन का फॉर्म गिर चुका है, कैप्टनसी का क्या दबाव महसूस कर रहे हैं दैट ओनली टाइम विल टेल, वो जब केकेआर का जब तक सीजन खत्म होगा उसका पोस्टमार्टम बाद में करेंगे, लेकिन एसआरएच उनको पसंद है ये भी हमें बात पता है, पिछली 5 पारियों में एसआरएच के अगेंस्ट
350 प्लस स्कोर्स हैं उनके, उन पांचों पारियों में 25 या उससे ज्यादा का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एसआरएच का अटैक उनको जनरली पसंद आता है, आई थिंक हैदराबाद में खेलना भी वो पसंद करेंगे। प्लस एडेड बोनस ये है कि एसआरएच रनों के लिहाज से उनकी फेवरेट अपोनेंट है, लगभग 500 रन उन्होंने जड़ दिए हैं इस टीम के अगेंस्ट। सो अगर कोई ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट नीतीश राणा फॉर्म में आ सकते हैं और अपनी टीम को नैया पार लगा सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एसआरएच है हैदराबाद। लास्ट मैच में भी जो हमने प्रीव्यू किया था उसमें भी बात की थी नीतीश राणा के सबसे ज्यादा रन इन आईपीएल इसी साइड के अगेंस्ट यहाँ एसएमएस के अगेंस्ट खेलना काफी पसंद है। वो मैच वो ईडन में खेल रहे थे तो वहां पे भी उनके सबसे ज्यादा रन अक्रॉस ऑल वेन्यूज तो था, बहुत इजी था पिक करना। हालांकि इस मैच में भी जितने ऑप्शन है आपकी टीम में जरूर रहेंगे और होने भी चाहिए। लास्ट मैच में बात की थी उमरान मलिक एक पॉसिबल थ्रेट हो सकते थे उनके अगेंस्ट, क्योंकि जो वो लाइन डालते हैं नीतीश राणा यूजली स्ट्रगल करते हैं थोड़ा सा एक्सप्रेस पेस और बॉडी पे जो आती है शॉर्ट डिलीवरीज, लेकिन उमरान मलिक ने डालने की कोशिश तो काफी की लेकिन बॉडी के इधर उधर गई और फिर बाहर पहुंचाई नीतीश राणा ने। तो टीम में जरूर रहेंगे, एक अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन भी है क्योंकि अपनी फेवरेट साइड के अगेंस्ट वापस खेलने वाले। आशीष भाई आपके हाई रिस्क अवार्ड। यहाँ पे राहुल त्रिपाठी को उस कैटेगरी में रखूंगा, एक्स प्लेयर है केकेआर का और परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में बिल्कुल अच्छे नहीं आए, बस 170 रन की पारी आई थी उसके बाद लगाई नहीं त्रिपाठी टूर्नामेंट में खेल रहा है। मतलब जब तक प्लेयर परफॉर्मेंस देता नहीं उसकी बातचीत होती नहीं, तो फिर मतलब वो मजा भी नहीं आता टूर्नामेंट में उस प्लेयर को, उसकी चर्चा नहीं हो रही ना उसको कुछ अवार्ड मिल रहा कुछ हो ही नहीं रहा। तो त्रिपाठी के पास एक अच्छा मौका अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट आए और यहाँ पे स्टेप अप करे, अच्छा परफॉर्मेंस दे। लास्ट ईयर रन्स किए थे उन्होंने अगेंस्ट केकेआर और अभी तक तो 50 मारे हैं, दोनों 50s आई है वाइल्ड चेजिंग और नंबर्स अगेंस्ट इस बोलिंग अटैक काफी अच्छे हैं, सिर्फ एक ही बोलर को छोड़ के। उमेश यादव के अगेंस्ट आज तक कभी आउट नहीं हुए हैं, वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट वो सिक्सेस शायद आपको भी याद होंगे लास्ट ईयर जो उन्होंने मारे थे, दो बैक टू बैक सिक्सेस जो कि मेरे अकॉर्डिंग लास्ट सीजन के बेस्ट शॉट्स है। और सिर्फ जो स्ट्रगल रहा है वो है रसल के अगेंस्ट, जो हमने लास्ट मैच में बात की थी कि तब बॉलिंग नहीं कर रहे थे फिर आए उसी दिन और पहला विकेट ही नहीं का लेके गए थे, तो रसल के अगेंस्ट है स्ट्रगल। 3 बार आउट कर चुके हैं 5 इनिंग्स में, जो कि जैसे हमने बात की अभी कि उनके सबसे ज्यादा डिसमिसल्स हैं अगेंस्ट एनी बॉलर इन टी20s, तो बस एक वही स्ट्रगल है, बाकी इसके अलावा सबके अगेंस्ट नंबर अच्छे हैं। और फॉर्मर टीम के अगेंस्ट वो जो ट्रेंड हमने स्टार्ट किया था ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम दिखेगी, तो धीरे धीरे वो आता हुआ दिख रहा है, तो वो आपको फिर से दिख सकता है। अब फिलहाल उस प्लेयर की बात करते हैं जो आपकी टीम में नहीं दिखने वाला आपके लिए प्लेट वाइट हैंड पर। मेरी टीम में सुनील नारायण नहीं, आपकी टीम में भी सुनील नारायण नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके अब बाकी अब मैं बताता हूँ क्यों, त्यागी के तर्क का टाइम आ गया। पिछले 7 में से 6 मैचेस में एसआरएच के अगेंस्ट विकेटलेस गए, पिछले 6 में से 5 IPL मैचेस में विकेटलेस गए, पिछले 6 में से 4 IPL मैचेस में विकेटलेस जो इन वेन्यू पे खेले गए, जो इस वेन्यू पे खेले गए। तो बाकी आप है समझदार विकेट ले ले तो समझ लेना नादान है ये परखुड़दार। वैसे जस्ट टू ऐड इनका वर्स्ट स्ट्राइक रेट इन आईपीएल इसी साइड के अगेंस्ट ही है और ये हमने लास्ट मैच में भी बात की थी और तब भी हमने कहा था कि तब लेकिन थोड़ा विकेट्स लेके आ रहे थे थोड़ा रिस्की था ड्रॉप करना, अब तो जैसे उनकी स्ट्रीक चली है फाइनली स्ट्रीक खत्म हुई वो विकेट नहीं लेने की, लेकिन अभी भी शायद मुश्किल हो पिक करना, बाकी डिपेंड करता है केकेआर किसको खिलाते हैं। अभी तो वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, हाँ भाई बैठते हैं आओ चलो अब लगाओ चेयर्स चलाओ म्यूजिक और उसके बाद डिसाइड करेगा कौन खेलेगा। आशीष भाई प्लेट वाइज मैं हैरी ब्रुक को रखूंगा जो बैटिंग ऑर्डर उनका कंसर्न रहा है नीचे आते हैं और स्पिन जो है बहुत हेवी है केकेआर की टीम, उसमें आपको चक्रवर्ती सुरेश शर्मा और नारायण जैसे स्पिनर्स दिखते हैं, तो इस वजह से मैं उनको प्लेट वर्ड के अंदर रखूंगा हैरी ब्रुक। ब्रुक और नारायण की भी अच्छी रेस लगने वाली है पीयूष की, कौन किसको अवॉइड करने वाला है सबसे ज्यादा, मैं भी हैरी ब्रुक वाज माय सेकंड कैंडिडेट। वेल डन सर, ओपन कर ले तो बात अलग है, लास्ट टाइम सेंचुरी भी बनाई थी भाई ने, करेक्ट बस पर वो होगा नहीं ना देखना। चलो वैसे प्रीव्यू में जो हमने लास्ट टाइम किया था काफी बात की थी हैरी ब्रुक वर्सेस गुगली वर्सेस सुरेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती की पावर प्ले में बोले जाएंगे और स्ट्रगल करेंगे, लेकिन जब हमने पिच देखा एकदम ग्रीन सरफेस थी एकदम फ्लैट लगा, फिर उसके बाद पिक कर लिया क्योंकि ओपन कर रहे थे और फिर वो मार गए 100 जो कि उन्होंने बस अभी तक इस सीजन यही किया है और वो भी रिग्रेट कर रहे होंगे पोस्ट मैच में जो उन्होंने बाद में बोला था कि इंडियन फैंस के बारे में कि उन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर जो मुझे बोला अब बताओ मैंने सेंचुरी मार दी और उसके बाद से फिर रन नहीं आया, तो अब तो शड्डियों से भी पहुंच गए होंगे इंडियन फैंस उनके। तो अब क्योंकि मिडल ऑर्डर में आ रहे हैं और जब आएंगे आते ही सामने सुरेश होंगे वरुण चक्रवर्ती होंगे और उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगी वो बैटल आते ही। और सुरेश शर्मा ने इनफैक्ट हमने बात की थी कि अच्छे चांसेस से विकेट ले लें लास्ट गेम में और सुरेश शर्मा को उन्होंने विकेट दिया भी था, बस सुरेश शर्मा ने मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए, कॉटन बॉल था उसका खासा चांस था
सुरेश शर्मा के हाथ में भी आई थी बॉल, बोला नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा विकेट, क्योंकि बीस फोर ने बोला है कि शायद मैं ले सकता हूँ। तो इस मैच में मुझे लगता है कि फिर से अगर आते हैं उसी फेज में सुरेश शर्मा का विकेट मुझे दिख रहा है। आनंद भाई आपसे यही पूछते हैं, ब्रुक वर्सेस सुरेश शर्मा, आपको लगता है सुरेश शर्मा इस मैच में विकेट ले सकते हैं उनका? यस बिल्कुल ले सकते हैं। मेरे हिसाब से सुरेश शर्मा की जो जो एक एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है, काफी टाइम से नहीं आई है, वो इस मैच में आ सकती है, खासतौर से एसआरएच के विकेट पे। बोलिंग फर्स्ट या बोलिंग सेकंड, सॉरी उस पे डिपेंड काफी करता है, बट आई हैव अ फीलिंग सुयश विल पिक हैरी ब्रुक फॉर श्योर। अगर वहां तक चली उनकी नैया चली, अगर वो ओपन करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं, तब तब पता नहीं कुछ और हो सकता है। कोच साहब हेड पोजीशन सही है उनका, विकेट ले पाएंगे? विकेट तो ले पाएंगे, जिस तरह से राइट हैंडर बैटर्स से पूरी टीम में हैदराबाद की, इस वजह से अभिषेक ओपन कर रहे हैं, बीच में मिडिल में भेज देते हैं, वही उनके दिमाग पे चल रहा है मिडिल ऑर्डर में कोई स्पिन खेल पाएगा इस मैच में, क्या पता अभिषेक को मिडिल में डाल दे, भरोसा ही नहीं उनका। तो अनएक्सपेक्टेड टीम है, पर सुयश के सामने इतने सारे राइटीज है, वो भी वहां पे लालची रहेंगे कि मेरे को विकेट निकालना है करके। लालची तो खैर हमसे ज्यादा कौन ही है, हमें जिस तरीके जितने लालच की हम बात करते हैं यहाँ पे, रन हमें विकेट चाहिए इकॉनमी से फर्क नहीं पड़ता, रन चाहिए स्ट्राइक रेट से फर्क नहीं पड़ता, तो सबसे ज्यादा लालची लोग तो यहाँ बैठे। तो विजन इलेवन की बेस्ट टीम की बात कर लेते हैं, और उससे पहले आशीष भाई विजन इलेवन के पास दुनिया भर का पैसा है, बिग डी बस सेक्शन में आपके पास है हेनरिक क्लासन और रहमान गुरबाज, और लास्ट मैच में मैंने एसआरएच का गेम था तब क्लासन पिक किए थे और गुरबाज पिक किए थे, क्या गेम था गुरबाज, बहुत ही ऑब्वियस चॉइस लास्ट मैच में रन करके आ रहे हैं, लेकिन सामने भुवनेश्वर कुमार है, चार डिलीवरीज खेली है, दो इनिंग दो डिसमिसल है उनके अगेंस्ट, और हेनरिक क्लासन बहुत ही अच्छे टच में लग रहे हैं, बहुत नीचे आ रहे हैं स्मॉल लीग्स के लिए, क्या अभी भी आपकी सेफ चॉइस रहमान गुरबाज? जी बिल्कुल, जिस तरह से खेल रहे हैं पिछले मैच में 80 रन की पारी थी, आते हैं बिल्ड करते हैं फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, वही जो अफगानिस्तानी लड़के हैं भाई साहब वो अलग ही बंदे हैं पूरे, तो यहाँ पे मैं क्लासिन को भी लेके जाऊंगा, वैसे मिडिल ऑर्डर के अंदर एक प्लेयर चाहिए रहेगा जो गेम को चला सके यहाँ पे। आप दो विकेट कीपर्स के साथ देंगे? जी जी बहुत बढ़िया, मैं देखता हूँ देखिए कैसे ले पाते हैं, हालांकि ऑलराउंडर्स हैं नहीं इस मैच में तो आप इजीली पिक कर पाएंगे दो ऑलराउंडर्स के साथ आप जाते हैं तो। बैटिंग सेक्शन पे चलते हैं, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, इन तीन में से किसी को ड्रॉप करेंगे? तो यहाँ पे मैं तीन बैटर्स में से नीतीश राणा, जसवंत राय फिट होते हैं तो वो आ जाएंगे, वरना अभी फिलहाल मैंने लिया हुआ है अभिषेक को और जो अपनी त्रिपाठी है राणा के साथ। मैंने भी तो ये तीन ही नाम लिए थे, आप बोल सकते थे हाँ मैं आपके साथ जाऊंगा कि नहीं आपने रॉय का नाम दिया है शायद, नहीं जेसन रॉय ऑफ कोर्स फिट होते हैं तो टीम में आ जाएंगे, केकेआर की में भी, हमारी टीम में भी, और एक और जो ऑप्शन है जो कि लास्ट चार पांच मैचेस में रन नहीं आए वो है वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर को पिक करेंगे नहीं एज फोर्थ पार्टनर? सामने वही चक्कर जो मेरे को लग रहा है एडन माकरम बॉलिंग करने आ सकते हैं पावर प्ले के अंदर, और लेफ्ट आर्म पेसर्स रहेंगे वहां पे मार्कोनी सेन, और जिस तरह से आपको डालते हुए देखते हैं भुवनेश्वर कुमार नई गेंद से, तो वहां पे भी विकेट निकालने के चांस है, मरकंडे का मिडिल ओवर में अच्छा स्पेल चल रहा है अभी, इस वजह से अभी नहीं रखने की कोशिश नहीं करूंगा फिलहाल। दोनों लेफ्ट आर्म पेसर्स की स्ट्रगल किया अभी तक, वेंकटेश अय्यर ने दो बार आउट किया है मार्को यानसन ने, और अपनी पहली डिलीवरी पे नटराजन ने, तो सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है बट डिसमिसल जरूर तीन है, उसके बेसिस पे आप पिक ड्रॉप करना चाहे कर सकते हैं, हमारी बेस टीम का भी पार्ट नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास रसल, लेडन माकरम और शार्दुल ठाकुर द बैटर, जो कि लास्ट मैच बॉलिंग नहीं किए, सुनील नारायण जो कि साइड के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल किए हैं अभी तक, और उसके बाद है मार्को यानसन जो कि लास्ट टाइम दो विकेट्स पिक करके गए थे, लेकिन जब दिल्ली में गेम था उन्होंने बात की थी कि इनकी जगह कील हुसैन या आदिल रशीद खेलते हुए दिख सकते हैं, कील हुसैन आए इस मैच में, फिर से मार्को यानसन, फजल अक फरूकी, दोनों में से एक जरूर आपको खेलता हुआ दिखेगा। आशीष भाई मार्को यानसन खेलते हैं तो क्या पिक करेंगे? जी सोचा था लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में ही लूंगा, तो वरना फिर फारूकी खेलते हैं, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि टीम फारूकी क्यों नहीं खिला रही, क्योंकि मार्कोनी से रन लीक कर रहे हैं और वो बैटिंग के तौर पे उसको देख रहे हैं, तो आपके पास इंपैक्ट पे अब्दुल समाद आ जाता है, तो आप इससे बढ़िया फारूकी को खिलाओ जाके आपको अच्छा स्पेल दे सकता है स्विंग करा के, और डेथ ओवर के अंदर यॉर्कर से नील कर सकता है, तो फारूकी खेलेंगे तो दोनों कंडीशन पे इन रहेंगे मार्कोनी से बॉल फर्स्ट के अंदर। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं और पहले ही नाम ले लेते हैं सुरेश शर्मा, जिनको आप तीन विकेट दे रहे हैं तो वो आपकी टीम में ऑफकोर्स होने चाहिए, मेरी भी टीम में अभी के लिए है, सिलेक्शन बहुत ही कम है और बहुत ही रिस्की चॉइस है, तो अगर आप थोड़ा सेफ खेलते हैं तो बिल्कुल सुरेश शर्मा की जगह कोई भी आप बॉलर ले सकते हैं, हमें थोड़ी वैल्यू लग रही है, सिलेक्शन 13% के आसपास हो सकता है और नीचे चले जाए बाद में। बॉलिंग सेक्शन में और आपके पास जो ऑप्शन है वो है भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, उमरान मलिक जिस फॉर्म में शायद ही पिक कर पाए आप, वरुण चक्रवर्ती जो कि लास्ट मैच विकेट लेस गए, और मयंक मारकंडे। आशीष भाई बोलिए।
तो मरकंडे, भुवी, सुयश और नटराजन बॉलिंग फर्स्ट कंडीशन के अंदर। भुवी के जो नंबर इस टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छे रहे, शामी जैसा काम करके जा सकते हैं, और इस वनडे के ऊपर बॉल स्विंग भी होती है कई बार, और वो अच्छे गेंदबाज है, विकेट टू विकेट डालते हैं। जी, भुवनेश्वर कुमार के मोस्ट विकेट अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स ही हैं, और कोलकाता के अगेंस्ट किसी भी बॉलर के जो सबसे ज्यादा विकेट है वो भुवनेश्वर के। तो लास्ट मैच में विकेट्स पिक किए थे इन्होंने, और बहुत ही स्ट्रेट चॉइस की बॉलिंग सेक्शन में बहुत ज्यादा इन फॉर्म बॉलर्स नहीं है या फिर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स नहीं है। तो ये हो गई हमारी बेस्ट टीम रेडी, और अगर आपको चेंजेस देखने हैं कि हम किसके साथ जा रहे हैं, किसको पिक कर रहे हैं, किसको ड्रॉप, किसको बना रहे हैं कैप्टन, तो आ जाओ टेलीग्राम पे और इस मैच का लाइव करने 6:45 पे आ जाएंगे प्रतीक भाई। तो अगर आपको देखना है कि जेसन रॉय फिट हुए हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, या फिर केकेआर बीइंग केकेआर जो 150 चेंजेस करने वाली है वो उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनल सीडिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी बता देंगे आपको। तो आ जाना 6:45 और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आशीष भाई का, मेरा, व्यू स्पोर्ट का, इधर का उधर का सबका ज्वाइन कर लेना, लेकिन टीम खुद की बनाना। सॉरी सॉरी रुकावट के लिए खेद है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक बहुत बड़ा स्पेशल गिव अवे करने वाले हैं हम, क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता होगा विजन इलेवन इज द स्पॉन्सर ऑफ CSK। तो विजन इलेवन और व्यू स्पोर्ट दोनों मिलके आप में से किसी एक को भेजने वाले चेन्नई फॉर अ स्पेशल मीट एंड ग्रीट विद द CSK प्लेयर्स। तो अगर आप व्यू स्पोर्ट फॉलो कर रहे हैं और CSK के फैन है या फिर उनके प्लेयर्स के फैन है तो ये अपॉर्चुनिटी आपको भी मिल सकती है। तो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम आपको अपडेट करते रहेंगे कब कॉन्टेस्ट चालू होगा, कैसे होगा, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिल्कुल फेयर होगा, आप खुद भी देख सकते हैं, और जल्दी मुलाकात होगी इसके पेज के साथ। तो देखते रहिए, डेली अपडेट देते रहेंगे हम। तो आज के लिए हाँ इतना ही, जाने से पहले हम पूछेंगे गिव अवे क्वेश्चन, और गिव अवे क्वेश्चन आज पूछेंगे कोच साहब। तो सूर्य शर्मा का बॉलिंग स्पेल लेके चलते हैं, तो मैं आप खुद से स्टार्ट करता हूँ। 4 ओवर 27 रन, 3 विकेट। ओ वेल डन, विश्वास कैप्टन क्यों नहीं है आपके, क्यों नहीं आयरिश का रिवॉर्ड में? एज चार लाइक ओवर 31 रन, 2 विकेट, सिचुएशन है। 4 ओवर 29 for 2, और सब वैसे देखा जाए तो सबसे कम जो विकेट है 2 दिला दिए अपने, तो 2 2 3 तो टीम में तो सबकी आने चाहिए, तो टीम बना के ही देख अरे लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको मजा आया और थोड़ी बहुत हम वैल्यू ऐड कर पाए आपकी फैंटेसी टीम में। आनंद भाई बहुत ही बिजी डे है आपका, डबल हेडर है, और थैंक यू सो मच आपने फिर उसमें भी समय दिया। कोच साहब नो आपको एक प्रॉब्लम, टीम को कोच करने जाना था फिर भी आपने समय दिया, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। यू गाइस, नो प्रॉब्लम। थैंक यू पीयूष।